कौन है तू? मैं तेरा यार। सर, मेरा काम मैंने कर दिया है, आगे का काम आपका। ठीक है मेरी बात सुन। देख, तुझे जो भी चाहिए वो सब मिल जाएगा, मगर कुछ दिन के लिए तुझे यह शहर छोड़ना होगा। मैं और नहीं भाग सकती, मैं बहुत थक गई हूँ, कुछ देर यहीं रुकते हैं। वहाँ देखो, वहाँ पर कोई सो रहा है, चलो देखते हैं। ये लोग तो इधर सो रहे हैं, इन्हें सोने दो। भाग भाग कर अपन लोग भी थक गए हैं, थोड़ी देर यही आराम कर लेते हैं। तू खड़ी क्यों है? आके सो जाना। हाँ? क्या रे, मैं क्या तेरी बीवी हूँ जो तेरे बगल में सो जाऊंगी? अब क्या अपन तुझे सोने के लिए मंगलसूत्र पहनाएगा? खूब समझती हूँ तेरे बातों को। तू चाहता है कि मैं तेरे बगल में सोऊं? मैं नहीं पहनने वाली तेरे हाथों से मंगलसूत्र। अरे तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? वो क्या बात है ना अम्मा, अपन लोग रास्ता भटक गए। अपन लोग इस शहर में नए हैं और हमारे पास पैसा भी नहीं है अम्मा। बहुत मेहरबानी होगी अगर तुम हमें यहाँ सोने की इजाज़त दो तो। बेटा, इस लड़की के साथ तेरा क्या रिश्ता है और तू इसे यहाँ लेकर क्यों आया है? उनकी बीवी है। ओ अच्छा, यहाँ पर तो जगह नहीं है पर वहाँ जाकर सो सकते हो। हाँ बेटा, यहाँ पर मेरी बच्ची सो रही है, तुम वहीं पर जाकर सो जाओ। जैसा तुम कहो। ये लो चद्दर, ठंड लगे तो ओढ़ लेना। चलो वहाँ जाके सो जाते हैं। जाओ जाओ, चैन से सो जाओ, चिंता मत करो। भगवान के रूप में अपन को अम्मा मिल गई जिसने हमें यहाँ सोने को जगह दी। क्या हुआ? बहुत ठंड लग रही है। ये लो। अच्छा, छोड़ दो इसे। तुम भी सो जाओ ना, मुझे नींद नहीं आ रही। अम्मा को क्यों बोला कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ? तो अपन क्या बोलता? बोल बोल, क्या बोलता अपन उस अम्मा को? तू मेरी बीवी है बोला है, इसलिए अम्मा ने सोने की जगह दी, नहीं तो मार कर भगा देती अम्मा। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या करते हो? अभी तो अपुन के पास कोई काम नहीं है, मगर जीने के लिए अपुन कोई भी काम कर लेता है। अपने को काम की कोई शर्म नहीं है। परिवार में कितने लोग हैं? अपुन की अभी तक शादी नहीं हुई। हे भगवान, तुम्हारे बारे में नहीं, तुम्हारे भाई बहन के बारे में पूछ रही हूँ। अपन तो अनाथ है, अगर परिवार होता तो अपन ऐसी जिंदगी थोड़ी जी रहा होता। पढ़ लिख कर किसी जगह पर नौकरी कर रहा होता और आराम से जीता, पर देखो अपन अकेला जी रहा। खैर मेरा छोड़, अपने बारे में बताओ ना। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे पिताजी गुजर गए और फिर मेरी माँ ने ही मुझे उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया और मेरे पिता की जगह ले ली। लेकिन कुछ समय के बाद ही मेरी माँ बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम्हारी माँ को बचाना है तो ऑपरेशन के लिए बहुत खर्चा होगा। मैंने सोचा, मेरी एक दोस्त इस शहर में रहती है, मैंने उसे फोन किया, उसने मुझे कहा कि तुम्हारे लिए काम ढूंढती हूँ और फिर मैं यहाँ आ गई। फिर हेलो, अभी मैं बस स्टॉप के पास हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। वो आपको बुला रहा है। आ, आ,
क्या हुआ बहन, इतनी टेंशन में क्यों हो तुम? कोई परेशानी है क्या? दीदी, मैं इस शहर में नहीं हूँ दीदी, मैं यहाँ काम ढूंढने के लिए आई थी। मैंने अपने फ्रेंड को फोन करके फोन बैग में रख दिया, तभी एक चोर आया और मेरी बैग छीन कर भाग गया। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मुझे तो किसी का नंबर भी याद नहीं है, सारे नंबर उसी मोबाइल में रखे थे। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो बहन, इतनी टेंशन मत लो तुम, मेरा भाई गाँव से आए लोगों की मदद करता है, उन्हें काम देता है वो। मैं उससे बात करूंगी तो वो तुम्हें काम दिला ही देगा, सोच मत। चल मेरे साथ चल। अरे उठो उठो, अरे सोने दो ना, रात भर भाग भाग के पैर दुख रहे मेरे, थोड़ी देर सोने देना, आपको नहीं मिलेगा। रात भर भाग भाग के तुम्हारे पैर दर्द कर रहे हैं और मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, मुझे भूख लगी है, खाने के लिए कुछ लेकर आओ ना। जहाँ से हम लोग काम छोड़कर भागे हैं ना, उसने हमें एक रुपया तक नहीं दिया है, पता है ना? और अपन की जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। देखो तुम कुछ भी करो मुझे पता नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत थकान महसूस हो रही है। 5 मिनट रुको, अपन कुछ लेके आता है। सुधा, सुधा, भाई बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अरे तो पैसे दे। पैसा नहीं है। बिना पैसे के कुछ नहीं मिलता। अपन तुम्हारा कोई भी काम कर देगा। क्या काम करेगा? ठीक है काम देता हूँ। बस कर भाई, हो गया, ये ले ले पकड़। और कितना टाइम लगेगा, मुझे बहुत भूख लगी है। रुकना, वो हमारे लिए खाना लाने गया है, आता ही होगा। ये ले, तुम्हारे लिए। अपन ने वहीं खा लिया। अच्छा। तुमने कहा पैसे नहीं है, तो खाना कैसे लाया? पैसे की चिंता तू मत कर, तुझे भूख लगी थी ना, तू पहले खा ले फिर बात करते हैं। हम जरा बाहर घूम के आए क्या, यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ तो एक काम करते हैं, कहीं घूम के आते हैं। ए फटीचर,
तेरे 5 रुपए के चक्कर में ना अपन लोग इधर जेल में चक्की पीस रहे हैं। चोरी नहीं करता ना तो कहीं बाहर खाना खा के आराम से सो रहे होते। अब तेरी वजह से इधर ही खाना पड़ेगा और इधर ही सोना पड़ेगा। फर्नीचर भाई, तूने ही तो कहा था पैसा अगर कीचड़ में पड़ा हो तो उसे उठा लेना चाहिए, और अब तुम मुझ पर भड़क रहे हो। दिमाग से पैदल हो क्या? दिमाग से पैदल? मैंने कहा था कीचड़ में पड़ा हुआ पैसा उठाना, किसी के जेब में से मत निकालना। थू, ये लो। अब ये अपुन के पास क्यों आ गया भाई? सर, आपकी लेस खुल गई है सर, देखो। अबे पुलिस वाला उसी लेस से तेरा गला दबा देगा और तेरे पिछवाड़े में डंडा घुसा देगा। अगर साहब का लेस खुल गया तो तुझे बांध कर देना चाहिए ना। अबे गधे के बच्चों, आज देखना मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। सर मुझे मत मारो सर, मैं आपका क्या कर रहा है? हट, चल चल, छोड़ जा, छोड़ दो मुझे, बोला ना, छोड़ दो सर। क्या रे, एक्टिंग करता है? सर, दारू पी पी कर मेरा फेफड़ा लीवर खराब हो गया है सर। मैं तो आपके जूतों के भी बराबर नहीं हूँ सर। मारना है तो इसे मारिए सर, सही बात है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसकी लीवर किडनी सब स्ट्रॉन्ग है। अबे तेरी तो, अबे झूठ बोलता है सर। इसकी बातों पर ध्यान मत दो, आपको बेवकूफ बना रहा है। मैं दारू पीकर बहुत कमजोर हो गया हूँ। ये देख लो, ये आधा बचा क्वार्टर मैंने तभी मार दिया था सर, जब आप उसको गधे की तरह पुलिस की तरह मार रहे थे सर। तभी मैंने ये बोतल खोलकर आधा क्वार्टर मार लिया था सर। मुझे नहीं दिया, तुझे दूंगा घंटा। पहले ये बताओ उन दोनों को लेके कहां भागे थे? बताओ बताओ जल्दी। सर हम लोग भागे भागे नहीं थे, आपको गलतफहमी हुई है सर। भागे नहीं तो कहां गए थे? आपने कहा था आप हमें 20 लाख रुपए देने वाले हो, इतने सारे पैसे हम कहां रखते? इसीलिए हमने सोचा कि बैंक में जाकर अकाउंट खोल लेते हैं, उसी में इतने सारे पैसे रख लेंगे। उसी समय आप लोग आ गए और हमें पकड़ लिया है न रे। अरे चलो, मेरी बहुत बड़ी भूल हुई है, तुम दोनों को मैंने अभी तक जिंदा छोड़ा है। जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं, मार दूंगा। झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो। मुझे धक्का मारा इसने। क्या रे हीरो, लड़की के साथ चलता तो और कोई दिखाई नहीं देता है क्या? ऐसे क्या घूर रहा है? हाँ जाने दो ना, ये लोग ठीक नहीं है। निकाल यहाँ से। ए इधर आ। सर इन लोगों को तुमने कहीं देखा है क्या? नहीं सर। सच बता। मैंने नहीं देखा। चल निकल यहाँ से। नमस्ते सर। नमस्ते सर। इन दोनों को तुमने कहीं देखा है क्या? सर ये तो क्या हुआ, बोलना बोल। हाँ देखा है सर, इनको आसपास यहीं कहीं देखा है सर। जल्दी बता कहाँ देखा था? सर यहीं आसपास देखा था। अगर इन दोनों के बारे में तुमने कोई खबर दी तो तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि कभी सपने भी नहीं सोचा होगा। ठीक है सर, आपका काम हो जाएगा सर। अपना मोबाइल नंबर दो ना। लिखो 9975155973। ठीक है सर। याद से फोन करना। जी सर। क्या हुआ, क्या सोच रही है? आज मेरा जन्मदिन है। हर साल मेरी माँ गांव में सबको बुला के मेरा जन्मदिन मनाती थी, लेकिन इस साल तो पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी मुझे सजा मिल रही है। मैंने अपने जीवन के बारे में जो सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है।
लगाया तुमने? पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? क्यों फालतू खर्च किया तुमने? यही पैसे बचाते तो रात के खाने का इंतजाम हो जाता ना। तेरी खुशी के आगे इन पैसों का कोई मोल नहीं है। जिंदगी में धन दौलत पैसा ये सब कमाना ही सब कुछ नहीं होता। पैसे से सुख और साधन तो आ जाते हैं पर खुशी नहीं आती। खुशी के लिए प्यार जरूरी है ना। मेरे लिए पैसे नहीं प्यार मायने रखता है। जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो पैदा होते ही रोने लगता है और वही बच्चा जब बड़ा होता है तो वो प्रतिदिन प्रति क्षण अपने परिवार को दुनिया भर की खुशियां देने के लिए दिन रात मेहनत करता है और उन्हें एक अच्छा जीवन देता है। चलो केक काटते हैं। चलो अब केक काटते हैं। तू बैठ अपन तेरे लिए खाना लेके आता है। ठीक है। दो राइस प्लेट देना। हाँ ठीक है। ये लो और ये भी। तुम खा लो मैं और एक लेके आता हूँ। हाँ। दीदी खाना दो ना। अपन खाना लेने क्या गया? तूने पूरी प्लेट साफ कर दी। नहीं नहीं उस बच्चे ने कहा कि उसे बहुत भूख लगी है इसलिए मैंने अपना खाना उस बच्चे को दे दिया। एक भूखा ही तो दूसरे भूखे को समझ सकता है ना। ठीक है कोई बात नहीं एक प्लेट है ना अपन दोनों इसी में खा लेंगे। ठीक है। मुझे लगा कि तुम्हें कोई घूर रहा है। ने इन्हीं के बारे में बात की थी ना। हाँ भाई फोन करके पैसे की बात कर लेते हैं। हाँ भाई फोन कर लो। हेलो कौन बोल रहा है? सर मैं संतू। आप फोटो लेके जिन्हें ढूंढ रहे थे ना वो कहाँ पे है मुझे पता है सर। कहाँ पर है वो? सर आपने कहा था कि जो भी पता देगा उसे आप पैसा दोगे सर। कहाँ पर है? आप पहले 50,000 रुपए का इंतजाम कर लो सर बाकी की बात बाद में करते हैं। कांस्टेबल पैसे लेकर आ जाएगा उन पे नजर रखो। ठीक है सर भेज दो। मैंने तुझसे बहुत पैसे लिए है ना। अरे छोड़ो ना भाई पैसे आने दो अभी एक एक रुपए चुका दूंगा। हेलो सिद्धू तू जल्दी से अपने पंटर को लेकर चाय की दुकान के पास आ जा। जो भी खर्चा होगा मैं देख लूंगा तू बस जल्दी से आ जा। हम ऐसे ही कितना घूमते रहेंगे हमें कोई काम ढूंढ लेना चाहिए। अगर कोई काम नहीं मिला तो खाएंगे पियेंगे कैसे। ये कहाँ चला गया? अब मैं इसे कहाँ ढूंढूं?
आजकल तेरी आइटम किधर है भाई? जरा उधर तो देखो। अरे भाई लोग जरा उधर देखो, एरिया में अपने नया पीस आईला है, जरा देखो उसे। शाने जरा इधर को आ। ए, तेरे को मालूम नहीं क्या ये एरिया अपुन का है? अपुन से परमिशन लेगा तो ही कुछ उठाने का यहाँ से, समझा? ए, शाने इसकी हिम्मत तो देखो, अपने एरिया में आके अपने कोई खुन्नस दे रहा है। ए, देख क्या रहे ले अपुन को? अपन को नहीं पता कि तुम लोग कौन है और तुम लोगों को नहीं पता कि अपन कौन है। अपन तो अपने पेट के लिए सब कर रहा है, कचरा बीनने के लिए तेरा एरिया, मेरा एरिया, उसका एरिया, ये सब क्या होता है? और जिंदगी जीने के लिए कोई किसी की परमिशन नहीं लेता है। जाने बहुत बोल वचन दे रहा है, हाँ? जरा फिर से बोल बे। अपन बोलता है तो एक ही बार बोलता है, और अपन लोग जब मारता है ना तो एक ही बार मारता है। बच्चे अपुन के एरिया में आके अपुन से ही शान पट्टी, हमारे बारे में नहीं जानता तू? अबे खोंचू, दोबारा अपुन के एरिया में कचरा उठाया ना तो चलो रे। करते हो? एक वक्त की रोटी के लिए हम सब तरस रहे हैं और जेब में एक रुपया तक नहीं है। अपन सबको धोखा दे सकता है मगर पेट को कैसे देगा? और अपन ने तेरी जिम्मेदारी भी तो ले ली है, तुझे भूखा थोड़ी ना रख सकता है। तो उसके लिए तुम ये सब काम करोगे? और दूसरा कोई काम अपन को आता भी तो नहीं है। ये सब तुम सिर्फ मेरे लिए कर रहे हो ना, तो ठीक है मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। ऐसा क्यों बोल रही है तू? तेरे सिवा मेरा दुनिया में है ही कौन? सुख में भी कोई नहीं था और दुख में भी कोई नहीं है, पर जब से तू अपनी लाइफ में आई है ना, अपुन को जीने की एक राह मिल गई है। और ऐसे वक्त पे तू अपुन को छोड़ के जाना चाहती है क्या? तुम कौन हो ये सब बिना जाने मैं तुम्हारे साथ चली आई। एक अकेली लड़की को ये समाज जीने नहीं देता। उस लड़की को ये समाज किस नजर से देखता है तुम्हें तो ये सब पता ही है। तुम मेरे लिए इतनी तकलीफ उठा रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो,
ये सब देखने के बाद मैं तुम्हें कैसे छोड़कर जा सकती हूँ? मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मतलब के तू अपुन को छोड़ के नहीं जाएगी ना? नहीं, तुमको छोड़ के कहाँ जाऊंगी? वैसे भी तुम्हारे बिना मेरा इस शहर में है ही कौन। ठीक है चलो, इसे बेचकर थोड़े पैसे आ जाएंगे और हमारे खाने का इंतजाम हो जाएगा। चलो चलते हैं। हाँ चलो। तुझे कितना देना है? 10,000। और तुझे? 30,000। तुम लोग टेंशन मत लो। ए चल बोल, वो लोग कहाँ पर हैं? अरे पहले पैसे तो दे दो साहब, आधे इसको दो और आधे इसे दे दो। चलो बताओ लोग कहाँ पर हैं। चलो सर। हाँ चलो बताता हूँ। कितना टाइम लगा दिया साहब आपने आने में? अरे हमारे पीछे और भी काम है। सुबह से आप लोग कहाँ गए थे? हम लोग काम के लिए गए थे। तुमने खाना खाया? ये लो। तुम दोनों ने खाया? हाँ हमने खा लिया, तुम खा लो। मैं हाथ धो लेती हूँ और वहीं बैठकर खा लेती हूँ। ठीक है जा। क्या हुआ? हाँ इतना मुझे घूर के क्यों देख रहे हो? पहले कभी मुझे देखा नहीं क्या? क्या बात है? कैसे कहूँ? क्या हुआ? कैसे कहूँ? कुछ तो बोलो। अपन सूरज से भी नजरें मिला सकता है, मगर तू ऐसे अपन को देखेगी तो अपन नजरें नहीं मिला पाएगा। पता नहीं अपन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्या हुआ? अभी अपुन थोड़ा सा डर रहा है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके आता है। कॉन्फिडेंस क्यों चाहिए? बाद में बताऊंगा। इसमें थोड़ा ज्यादा है। अबे बराबर है। हाँ। अरे क्या भाई, मेरी कुछ ज्यादा हो गई। अच्छा क्या? अबे ठीक करता हूँ। हाँ तुम करेक्ट बोल रहे हो। अरे यार मेरे में इतना ज्यादा क्यों? ऐसा क्या? अबे ठीक करता हूँ। तुमने तो जिससे प्यार किया उसी से शादी की और आराम से जी रहे हो। अगर मेरी तरह ब्रेकअप हो जाता ना तो मुझसे भी ज्यादा पीते तुम। किसको सुनाओ दिल का दर्द? चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन किसी आदमी का मेरी तरह दिल नहीं टूटना चाहिए भाई। क्या हुआ? इसका भी ब्रेकअप हो जाता है ना, वो किसी काम का नहीं होता है। लड़की को टूटे हुए दिल वाले कटहल की तरह दिखते हैं। मेरी तरह अगर तेरा दिल टूटता तो तू शराब की फैक्ट्री पी लेता। चल चल अभी ये मार ये। अरे 6 महीने से ऐसी घिसी पिटी कहानी सुना रहा है तू? हाँ मैं जानता हूँ तेरा ब्रेकअप हुआ है और जो भी तुझे आते जाते मिलता है तो उसी को तू सुनाने में लग जाता है। लोगों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, ये तू नहीं समझेगा यार। सुन, अच्छा हुआ तेरा ब्रेकअप हो गया, नहीं तो अब तक मेरी शादी हो जाती और पति बन के स्टेट अवार्ड लेता और बाप बन के नेशनल अवार्ड, दो दो अवार्ड मिल जाते मुझे। ए, तुझे क्या पता है शादी के बारे में? ऐसे बोला जैसे सब पता है। तू एक बात जानता है? क्या? हम लोग जब लड़की देखने जाते हैं ना तो हम लोग बलि का बकरा बन जाते हैं। कैसे बताऊं? जब हम लड़की देखते हैं तो लड़की फुल मेकअप में हमें बहुत सुंदर लगती है। हम बेवकूफ लोग उसके मेकअप में फिसल के शादी के खाई में हम लोग फिसल के गिर जाते हैं।
और इन सब के पीछे बहुत बड़ा हाथ होता है ब्यूटी पार्लर वाले का। इनकी जाल में हम पूरी तरह फंस जाते हैं और फिर शादी कर लेते हैं और उसकी सजा जिंदगी भर भुगतते हैं और उसके बाद दोस्तों के सामने, परिवार के सामने, सोसाइटी के सामने खुश होने का नाटक करते हैं। ये औरतें मेकअप की तलवार लेकर हम पर हमला करती हैं और हम जैसे लोगों को घायल कर देती हैं। हम इनको मेनका और उर्वशी समझकर इनके जाल में फंसते चले जाते हैं और जब इनका मेकअप उतरता है तब इनका असली चेहरा सामने आता है कि जिन्हें हम मेनका समझ रहे हैं दरअसल वो चुड़ैल हैं। हमें यकीन ही नहीं होता कि ये वही अप्सरा थी जिसे देखकर हमने शादी की और फिर हम सदमे में चले जाते हैं। और जब तक हमें ये पता चलता है कि हम फंस चुके हैं और तब तक हमारे सर के बाल निकल चुके होते हैं, समझा तू? शादी के पहले तो हम सलमान लगते हैं, लेकिन जब शादी के एक साल बाद जब हम आईने में अपने आप को देखते हैं तो लगता है हम अनुपम खेर बन गए। अच्छा अच्छा, सब बात समझ में आ गई, पर एक बात समझ में नहीं आई। पहली रात में क्या क्या हुआ था ये तो तुमने बताया ही नहीं भाई। ए, फर्स्ट नाइट में वही होता है जो सबके साथ होता है, पहली रात में क्या होता है ये बताना जरूरी है क्या? ओ ऐसा क्या, पर थोड़ा डिटेल डिटेल में बताना यार। अरे ये भी कोई बताने की बात है क्या? ये सारी दुनिया को पता है। अरे यार ये बातें ना बताने वाली नहीं है। ये कौन है? ये ऐसा लग रहा है कचरे से मक्खी उड़कर इधर आई है। कचरे से मक्खी? देखो भाई, हम जैसे लड़कों को दारू पीनी चाहिए और मस्ती भी करनी चाहिए, क्योंकि जब रोड पे निकले ना तो लगे कि ये जो आदमी है ये समथिंग डिफरेंट है। बार में खड़ा होके हिल नहीं रहा है, सीधा खड़ा है। लगता है पहली बार इस बार में आया है। देखो भाई, उसको देख के लगता है किसी लड़की से प्यार करता है। ये तुम कैसे बोल सकते हो? हाँ एक्सपीरियंस बोलता है भाई, एक्सपीरियंस। इस बारे में मैंने PhD की है। अगर यकीन नहीं है ना तो बुलाकर पूछ ले उससे। अबे बुलाता हूँ, देखते हैं। हेलो, एक्सक्यूज मी भाई, इधर आना। अरे भाई इधर आ, अरे इधर आना। हेलो, आज तेरा डाउट क्लियर हो जाएगा क्या भाई? तू लड़की से डर के भाग के आया है क्या? रुक जा, या खुद बताएगा। हाँ भाई, आज अपन अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार का इजहार करने वाला था, लेकिन जब उसकी आंखों में देखा तो अपन का कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया, बात ही नहीं कर पाया। हाँ भाई, हम लड़कों का नसीब ही ऐसा होता है। हम लड़की से प्यार तो करते हैं मगर बता ही नहीं पाते, और पता नहीं कॉन्फिडेंस कहाँ चला जाता है, और कॉन्फिडेंस के लिए पीनी पड़ती है। तू लड़की से बात करना चाहता है ना, तो अपने पास फार्मूला है, बात करने के लिए तुझे पीनी पड़ेगी भाई। ये ले पी ले। ये ले पी ले, एक घूंट में पी जा। पी ले। पीना, पी ले। पीने के बाद देखना कैसा कॉन्फिडेंस बढ़ता है तेरा। ए, बात करने के लिए अपन को शायद पीना ही पड़ेगा। ये पी ले। अरे पी ले के भाग गए। कैसे भागेंगे सर, गोटिया खेल रहे हैं। क्या गोटिया खेल रहे हैं? हाँ सर। तू भी उनके साथ गोटिया खेल ले, थू तेरी नौकरी पे। उन लोगों पे नजर रखो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है सर, आप आइए।
ए चल गाड़ी निकाल। चुप नहीं बैठ सकते क्या? चुकना नहीं चाहिए। ये ले। अरे यार, अरे यार, अरे साहब गोटी फेंको ना, फेंको ना। अरे फेंको ना साहब। तुम्हारी गोटियां फेंकने के लिए नौकरी ज्वाइन की है क्या मैंने? अब अगर शांत नहीं बैठे ना तो मार मार के हाथ पैर तोड़ दूंगा तुम्हारे। गुस्से में गोटियां फेंकोगे तो हाथ टूट जाएगा क्या? तेरा हाथ तोड़ू क्या? भड़कते क्यों हो साहब? गोटी फेंको ना। बोलकर सुन लो, अगर साहब आएंगे ना तो हाथ पैर तोड़ देंगे। एक गोटी के लिए हाथ पैर तोड़ देंगे? क्या हुआ, इतनी खामोश क्यों? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ तो मेरी कसम खाओ। इस दुनिया में लोग कितने खुश हैं, बस हम दोनों को छोड़ के। हमने ऐसा क्या गुनाह किया है जिसकी सजा हमें मिल रही है? किसी को भी अपनी जिंदगी पसंद नहीं है, लेकिन सभी लोग नाटक करते हैं। बस इसीलिए जी रहे हैं क्योंकि वो पैदा हो गए हैं। उनका कोई मकसद नहीं है, बस जिंदगी जिए जा रहे हैं। लेकिन सब लोगों के साथ उनका परिवार उनके अपने होते हैं, हमारे साथ कौन है? हमारे आंसू कौन पोछेगा? हमारी खुशियाँ हम किसके साथ बांटेंगे? हमारा भी कैसा जीवन है? सुख में तो सब लोग साथ देते हैं, पर दुख में कोई किसी का साथ नहीं देता। हम दोनों को अपना सुख दुख साथ में बांटना होगा, क्योंकि हमारी जिंदगी का यही एक सच है। तुम्हें नहीं लगता कि हमारे भी रिश्तेदार होने चाहिए? रिश्तेदारों को ढूंढते ढूंढते तो लोगों के असली चेहरे दिखे। लोग अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर से कुछ और। ये दुनिया ऐसी ही है। एक स्त्री अपने जीवन में कितने सारे कष्ट उठाती है, कितनी तकलीफों से गुजरती है, फिर भी उसे कोई साथ नहीं देता है, तो उसे कितना बुरा लगता होगा, है ना? मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मुझे तुम पर विश्वास है। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे भी तो मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा घर और एक छोटा सा परिवार चाहिए। एक लड़की के जीवन में इतनी इच्छा होती है, लेकिन इस जीवन में परिवार का सपना कहीं सपना ही ना रह जाए, इसीलिए ऐसे सपनों से मैं दूर भागती हूँ राजा। मुझे डर लगता है। हाँ बोलिए सर। हेलो स्वामी, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो अंदर बैठे हैं सर। मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो। उन पर एफआईआर बना के उनको पुलिस से उड़ा दो। वो लोग कोर्ट में नहीं पहुंचने चाहिए। झूठा केस बनाओ, उनका एनकाउंटर कर दो, कमिश्नर को बता दो। सर इसमें थोड़ा रिस्क है सर। वो मैं नहीं जानता, तुम्हें उन्हें मारना ही होगा। ठीक है सर। सुनो कांस्टेबल, उन दोनों को ले आओ।
ए, कौन है तू? ए, किसने भेजा इसे अंदर? ए, सिक्योरिटी, किसने भेजा इसे अंदर? कौन हो तुम? मैं हूं तुम्हारा यम। एक मिनट। हेलो सर, मेरा काम मैंने कर दिया, अब आगे का काम आपका है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। सुनो, तुम्हें जो चाहिए वो सब मिल जाएगा, बस कुछ दिनों के लिए तुम्हें यह शहर छोड़ के जाना होगा। ठीक है सर, बाकी का मैं संभालूंगा, समझ गए ना? ठीक है सर। काम तो हो गया, ये लो। ये सारे पैसे तुम्हारे, और सुनो, तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन इस मर्डर केस में मेरा नाम बिल्कुल नहीं आना चाहिए, समझे? ठीक है सर, मुझे चाहे जो भी करना पड़े पर आपका नाम नहीं आएगा सर, आप मुझ पे भरोसा करो। इस बार एमएलए मैं ही बनूंगा। मुझे बोला था टिकट नहीं दूंगा तुम्हें, और अब देखो मैंने ही उसका टिकट काट दिया। आजकल धंधा बहुत मंदा चल रहा है भाई, और ब्रांडेड कपड़े भी नहीं पहने। गाड़ी तो सॉलिड है इसके पास, चल कुछ जुगाड़ करते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि ये कुछ देगा। अरे चलना, दे देगा कुछ ना कुछ, चल। रुक जा, मैं मांगता हूँ। ए भाई साहब सुनो, चलो भगवान के नाम पे कुछ दे दो। हाथ पैर तो तुम्हारे सलामत लगते हैं, दोनों कुछ काम क्यों नहीं करते भैया? सर, भीख मांग मांग कर 4-5 बैंकों में अकाउंट है हमारे, मेहनत का काम करते हैं तो उन्हीं बैंकों से लोन लेना पड़ता, समझे? अरे बाप रे, तुम लोग तो हाई लेवल के भिखारी लगते हो। चलो ठीक है, ठीक है, भगवान के नाम पर दे दो। पैसे नहीं है, निकलो यहाँ से। पैसे नहीं है तो इतनी महंगी गाड़ी क्यों ले ली तूने? तुझे क्या लेना देना? ए बकवास बंद कर, देगा या नहीं? अरे भीख मांग रहा है कि हफ्ता मांग रहा है? एक बार बोला ना पैसा नहीं है, नहीं है पैसा, निकलो यहाँ से। तेरे पास नहीं है तो मैं देता हूँ। हमारी तरफ से पेट्रोल डाल देना। पहले तुझे बोला ना ये फटीचर आदमी है। अरे मुंह बंद कर तेरा, इतनी बड़ी गाड़ी रखी है इसने, निकल वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगा, चल निकल। अबे छोड़ ना, फटीचर के मुंह कहाँ लग रहा है, चल। जेब में 1 रुपया नहीं है, बड़ी गाड़ी लेके चला है, मारूंगा मुंह पे। अरे दिन की शुरुआत ही बेकार हो गई। हवलदार, पानी लेके आना। सर बोलिए सर। एमएलए की मौत के बारे में कुछ पता चला तुम्हें? सर उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है सर, अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। इलेक्शन का टाइम है, जिसने भी खून किया है जल्द से जल्द पकड़ो उसे, नहीं तो मीडिया सर पे चढ़ जाएगी। ओके सर, जल्द से जल्द खूनी को पकड़ के कोर्ट में हाजिर करूंगा। मुझे बातें नहीं, रिजल्ट चाहिए, समझे? ऑटो से जाना था और तुमने मुझे बस की लाइन में खड़ा कर दिया है। मेरे बाप ने मेरी तुमसे शादी कराई वो इसलिए कि तुम बहुत पैसे वाले हो। तुम तो कंजूस निकले। तुम क्या, तुम्हारे पूरे खानदान में ऐसा कोई नहीं जो दानवीर हो, 1 रुपया खर्चा नहीं करते। ए, मेरे खानदान पर मत जा तू, मेरे खानदान में बहुत दानवीर हुए, तुझे पता है? खूब जानती हूँ मैं तुम्हारी दानवीर की कहानियाँ, किसी को 1 रुपया देते हुए भी मैंने तुम्हें नहीं देखा। ए, दान धर्म तो मेरा खानदान करता था। ए, दान धर्म की बातें मुझे मत सिखा। मेरा बाप मेरे गले मिला और मेरे गले की चेन गायब कर दी तेरे बाप ने, और हाथ मिलाया तो हाथों की अंगूठियां गायब कर दी। ए, ए भाई, अरे सुनो ना, जरा सामने तो देखो। ए, दान धर्म करने के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। भाई पहले मैं जाऊँ क्या?
पहले मैं जाऊंगा, मैं बड़ा हूँ ना, मैं जाऊंगा, समझा? हाँ, तुम जाओ। अरे सेठ, आप तो शक्ल से ही दानवीर लगते हो, कुछ दे दो। ए, तू कहती है कि मैं दानवीर नहीं हूँ ना, अब देख मेरा कमाल। दान किसे कहते हैं वो मैं तुझे दिखाता हूँ। ये ले 10 रुपए, चाय पी लेना और होटल में जाके अच्छा खाना खाना, एंजॉय करना। थैंक यू सेठ। देखा, इसे कहते हैं दान, समझ गई? दीदी, आप तो साक्षात लक्ष्मी लगती हो, कुछ तो दान दे दो। अजी, आप देखो, मैं बताऊंगी कि दान देना किसे कहते हैं। कितने पैसे देने वाली है? ये लो, बिरयानी खा लेना। अरे, हमारे सेठ की औकात 10 रुपए की है, इसीलिए उन्होंने 10 रुपए ही दिए। मेरे औकात की बात कर रहा है तू? इसका खानदान मेरे खानदान से बहुत छोटा है, दिखाओ तुझे। ये ले 500 रुपए, हफ्ते भर बिरयानी खाते रहना, समझा? सर, आपका दिल बहुत बड़ा है सर, बहुत बड़ा है आपका दिल। देखा, इसे कहते हैं रियली ग्रेट सर, रियली ग्रेट। ग्रेट ग्रेट कुछ नहीं है, मेरी दीदी देख कितनी दानवीर है, आप देख मुझे क्या देती है। देखो ये लो, इतने पैसों में महीना भर बिरयानी खाओगे। 1000 मिल गए, ये देखो। सर, दीदी ने तो 1000 रुपए दे दिए, आपके औकात सिर्फ इतने ही है क्या? ए, औकात की बात मत कर। अरे, इसके खानदान से बड़ा मेरा खानदान है, अब देख क्या देता हूँ। ये ले, महीना भर बिरयानी खाने के साथ साथ बियर भी पीते रहना। ये ले। सच में कितना बड़ा दिल है सर आपका, देख कितना बड़ा दिल है सर। अबे बंद कर अपना मुंह, मेरी दीदी का दिल तो सोने के जैसा है, सोने के जैसा। अच्छा, अब देख ये लो, ये सोने का हार है, अब तुम्हें पूरी जिंदगी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बेच के कोई बिजनेस शुरू करो, जाओ जाओ। ये होता है दान। सर, दीदी ने सोने की चेन दे दी और आपने सिर्फ 2000 रुपए दिए, जितने आप तो। अरे ये ले यार, ये ले। अरे वाह, देखा मेरे सेठ ने क्या सोने की चेन दे दी। अच्छा, दीदी को तुम्हें क्या लगता है तुम ही दानवीर हो? ये लो, मैं दूसरा हार दे रही हूँ, लो। जानते नहीं मुझे, मैं तुझसे भी बड़ा दानवीर हूँ। ये ले, वो मुझसे नहीं जीत पाएगी। आज मैं तुम्हें दिखाती रहूंगी कि मैं कितनी दानवीर हूँ। देखो, तुमसे ज्यादा सोना मेरे पास है, ये भी लो। बहुत है, ये लो भाई, जाओ। अबे कुछ भी नहीं है ये, अब दीदी को देख, जाओ मजे करो, जाओ। ये भी रीता जी को हरा दो, क्या ये लोग कंगन जानते नहीं हो क्या मुझे? जाओ मजे करो। ये क्या सर, दीदी ने सोने के कंगन दे दिए और आप ये सिर्फ छोटी मोटी चीजें दे रहे हो। अरे रुक जा रुक जा, और भी बहुत कुछ निकालता हूँ। निकालिए, लगता है आप कुछ नहीं बचा। अरे सेठ तो कंगाल लगता है। मेरे पास बस ये एटीएम कार्ड ही बचा है देने के लिए, और कुछ नहीं बचा। चिंता मत करो सेठ, मेरे पास स्वैप मशीन भी है। अब बताओ कितना बैलेंस है? 2 लाख रुपए। ओके, अब पिन कोड क्या है? 2184। ऐसा क्या? कितना निकालोगे? सब निकालूंगा सेठ। अबे रुक, पूरा मत निकाल। क्यों? 20 रुपया रहने दे। क्यों? बस स्टॉप पे खड़े हैं, बस से जाना है ना। अच्छा, मेरे बारे में कितना सोचता है? सॉरी सेठ, गलती हो गई। ये लो सेठ। मैं बहुत बड़ा दानवीर हूँ, देखा सेठ। और कुछ देने के लिए नहीं है? अरे सब कुछ तो दे दिया। शर्ट पैंट तो है ना? शर्ट पैंट दूँ? देखना सेठ, शर्ट पैंट भी दे देंगे। अबे सेठ नहीं, सेठानी भी दे देंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? अगर तुम मुझे छोड़ के चले गए तो मैं मर जाऊंगी। ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं जी सकता, समझी ना? फिर कभी ऐसी बातें मत करना। I love you too, चिन्नी। I love you, sweetheart. मैं कल ही मेरे घर पे तुम्हारे बारे में बात करूंगा। मुझे यकीन है शादी के लिए मेरे घर वाले मान जाएंगे और हम जल्द से जल्द शादी कर लेंगे, ठीक है ना? I love you, चिन्नी। I love you too, चिन्नू। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। You are my life, चिन्नू। तुम हर वक्त यही बोलती हो, पता है ना? तुम्हारे पिताजी पुलिस में हैं, उन्हें पता चला ना तो हमारी लाइफ खत्म कर देंगे। तुम्हारे पिताजी ने कुछ किया तो मैं क्या करूँ? तुम बस अपने ही बारे में सोचते हो, अगर मुझे कुछ हुआ तो। अरे तुम हर वक्त ऐसा क्यों बोलती रहती हो? चलो फिल्म देखते हैं। अच्छा ठीक है, बैग दो, पहले फिल्म देखेंगे बाद में खाना खाते हैं।
को भी अभी आना था। क्या भाई चिरू, नई गाड़ी, नई लड़की, कोई चक्कर चल रहा है? प्लीज किसी को बोलना मत। शादी करेगा या फिर? अच्छा भाई ये बता, तूने मुझसे 10,000 रुपए लिए थे, वापस कब करेगा? मैं तुझे यहाँ वहाँ ढूंढता फिर रहा हूँ और तू लड़की के साथ मजे कर रहा है, हाँ? मुझे बता पैसे तू देगा या नहीं? वैसे मुझे पैसे वसूल करना आता है। तेरी गर्लफ्रेंड से ले लेंगे। तू? ये ले, चाबी ले। चैत्रा, मेरी बात तो सुनो। चैत्रा, मेरी बात तो सुनो। सुनो प्लीज। चैत्रा यार मेरी बात तो सुनो प्लीज। देखो मेरी बात सुनो, तुम इन लड़कों को नहीं जानती हो, ये लड़के एक नंबर के आवारा है। चैत्रा, चैत्रा तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। मेरी बेटी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? सर आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, चाहे तो इससे पूछ लो। चैत्रा ये जो बोल रहा है ये सब सही है क्या? चैत्रा इन्हें बता दो कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। झूठ बोलता है, तुझे अभी बताता हूँ। चैत्रा चल मेरे साथ। चैत्रा तुम खामोश क्यों हो? मोहब्बत करना सिखाता हूँ मैं। चैत्रा चैत्रा अभी कोई त्योहार नहीं है क्या? अरे अगले हफ्ते है ना त्योहार, तू बता क्या करें? तो चल नए कपड़े खरीदते हैं। हाँ सही कहा, तो चल इधर, चल वहाँ चलते हैं। चल। अरे वो छोटी सी दुकान है। और वो? अरे वो लेडीज दुकान है। हाँ? अरे भाई यहाँ चलते हैं ना। हाँ, अरे चल ये तो बहुत बड़ा दुकान है, चल चलते हैं। चल आजा। बहुत बड़ी है, लेकिन बैठो। टेंशन मत ले, मैं हूँ ना। हाँ भैया नमस्ते। नमस्ते। अरे सुबह सुबह भीख मांगने आ जाते हैं। यहाँ अच्छा है, ये लो। हम लोगों को भिखारी समझाए क्या? ये ले तेरे पैसे, तू ही रख। अरे कपड़े नहीं बेचने हमें, निकलो यहाँ से। ये घुटने तो अपनी बेइज्जती कर रहा है, इसको अपना वोट दिखाना पड़ेगा। ये देख, ये देख पैसे दिखा। ये देख कितना पैसा है हमारे पास। हाँ ठीक है ठीक है। ए, भीख मांगने नहीं आए यहाँ पे। एक बार बोला तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? पैसे है हमारे पास। ठीक है देख लो, इन दोनों को कपड़े दिखाओ। चल बड़ा आया, आया बड़ा। घटिया है ये, दूसरा दिखाओ। अरे ये भी घटिया है। अरे मार उसके मुंह पे। ये तू पहन। अबे ये क्या दिखाता है, अच्छा दिखा। अब ये अच्छे कपड़े दिखाएगा, चल चल दिखा दिखा चल। भाई अच्छी वाली चड्डी खरीदते हैं। ए अच्छी बुरी क्या होती है, सब अंदर ही पहनना होता है ना। वो सब अपने पल्ले नहीं पड़ता, चमकने वाली चड्डी चाहिए। चड्डी मांगता है मतलब मांगता है भाई। अरे क्या चड्डी, चड्डी की जिद लगा रखी है तूने। अरे क्या जिद कर रहा हूँ, मेरे पास एक ही चड्डी थी, वो भी तुमने फाड़ दी। अंदर कुछ नहीं पहना। अरे चड्डी दिखा भाई। क्या सुंदर लड़की है। ये तुम्हारी भाभी बनने के लायक है, हम दोनों की जोड़ी एक नंबर रहेगी, क्या बोलते हो भाई? जरा अगल बगल देख ले कितने लोग हैं। मतलब इतने लोग अपन दोनों को धोएंगे। लड़की की सुंदरता देख लेना, अब पब्लिक की लात खाएगा ना तो सुंदरता भूल जाएगा। सही कहा भाई, काम पे फोकस करते हैं। अरे जरा चड्डी दिखाओ। अरे जाना तू अपना काम करना। इसके लिए तो अपन मार खाने को भी तैयार। हाँ सर क्या चाहिए? चड्डी दिखाना। क्या बोल रहे हो तुम? इसके लिए एक चड्डी दिखाना भाई। सुपरमैन वाली या स्पाइडरमैन वाली? अंदर पहनने वाली भाई। ये देखो। अरे ये अच्छी नहीं लग रही है। मुझे भी ये देखिए सर। अरे ये तो इतनी पतली है कि अंदर से सब दिखेगा, नहीं चाहिए। भाई जरा ये देखना। हाँ ये इलास्टिक वाला है, हम दोनों पहन सकते हैं। लेकिन ये तेरे को नहीं दूंगा। क्यों? फिर से फाड़ देगा तू। अच्छा हाँ ये अच्छी है मैडम। और कुछ? और कोई कलर दिखाओ। हाँ हाँ ये कलर हा? भी अच्छा है, लेकिन और दिखाओ ना। और ये? हाँ ये कलर सही है। हाँ। अब एक काम करो, शर्ट दिखा दो जरा। ये देखिए सर, ये वाला सही लग रहा है। हाँ ये मेरी साइज का है।
ये दूसरा देखिए। हाँ, ये देखो। हाँ, ये भी ये मस्त लगेगा। मैं एक और ले लूँ क्या? अरे ले लेना भाई, एक और दिखाना। हाँ ये भी मस्त है। ठीक है, हाँ सब तो ले लिया। अब तू पैसे दे दे। कैश काउंटर वहाँ है, पैसे वहीं दीजिए। चल वहाँ देना है क्या? तुम ही ले लो। अरे नहीं नहीं सर, वहीं दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। हाँ जी, कितना हुआ? कितना हुआ इनका? 650। 650। 650 दीजिए मैडम। हाँ आपने अंदर चड्डी डाली है ना? भाई भाई, अरे अरे मेरे भाई को कुत्ते की तरह मार रहे हैं, क्या हुआ भाई? अरे मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने तो मैडम से पूछा कि चट्टी डाली है कि नहीं, तो लोगों ने मारना शुरू कर दिया। अरे तेरे दिमाग में भूसा भरा है क्या? क्यों? पूछना चाहिए थैली में चट्टी डाली कि नहीं। अरे मैंने सिर्फ थैली नहीं बोला तो लोगों ने इतना मारा मुझे। तुझे मारेंगे नहीं तो पूजा करेंगे तेरी। चलो उठ। ए भाई चलो अपने अपने काम पे जाओ, जाओ। चलो उठो, उठो भाई, चलो आराम से। मजाक मजाक में बहुत पीट दिया मुझे। शुक्र है जान से नहीं मारा तुम्हें। पैसे कितने हुए? इतनी पिटाई के बाद यहाँ से कपड़े लेंगे क्या? ये ले तेरे कपड़े, नहीं चाहिए हमें। इतने दिनों चड्डी ले रहे थे, वो भी ले लेने दी। तुझे चड्डी की पड़ी है, मेरी पिटाई हो गई यहाँ पर। तुझे चड्डी की पड़ी है कि मेरी? अरे अरे हमारा धंधा ले लिया इसने, छोड़ूंगा नहीं तुझे। नालायक कहीं कहीं गुजारा करना पड़ेगा। चलो भाई आ जाओ। सॉरी सर, सॉरी सर, ओके सर। अरे गोस्वामी यहाँ ना। तो बोलिए सर। अच्छा तुम्हारे जमीन का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं? प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई सर, मुझे लगता है प्रॉब्लम मरने के बाद ही सॉल्व होगी। जमीन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, पूरा परिवार परेशान है सर। अगर पैसे नहीं दूंगा तो जमीन नहीं मिलने वाली सर, कहाँ से लाऊंगा इतना पैसा? परिवार का प्रॉब्लम ऐसा ही होता है, इंसान परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं तुम्हारा पैसों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। क्या सोच रहे हो तुम बताइए सर, मुझे क्या करना होगा? उस जमीन के कारण मैं बहुत परेशान हूँ सर, मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ सर। पैसे की समस्या होती ऐसी है, इंसान पैसे के लिए कुछ भी करता है क्योंकि पैसे का प्रॉब्लम पैसे से ही सॉल्व होता है। बात तो सही है सर, बताइए मुझे क्या करना होगा, क्या करूं सर? सुनो, परसों एमएलए कैंडिडेट का जो खून हुआ है ना, वो केस मेरे पास है। वो तो पता है सर। वो केस क्लोज करने के लिए किसी को फांसी पे चढ़ाओ या उसका इनकाउंटर करो, मुझे कुछ नहीं पता, पर ये केस क्लोज होनी चाहिए, समझे? ठीक है सर, मैं कुछ करता हूँ। भाई कपड़े की दुकान में कुत्ते की तरह मार खाया फिर भी घोड़े की तरह चल रहे हो। अबे घोड़ा नहीं, शेर हूँ मैं, शेर। ऐसे छोटे मोटे हमलों से शेर को फर्क नहीं पड़ता, समझा? अरे अपनी औकात की, 1 रुपए की औकात है हमारी। अरे ऐसी छोटी मोटी बातें लाइफ में होती रहती हैं, टेंशन नहीं लेना चाहिए। चल तुझे आज मैं अपनी औकात दिखाता हूँ। हमारे पास इतने सारे सोने के गहने हैं ना, ये दिखाकर हम आराम से उस होटल में बैठकर बिरयानी खाएंगे। चल अंदर चलकर खाते हैं। बिरयानी के साथ बोनलेस चिकन भी खाएंगे? हाँ ठीक है, बोनलेस भी खा लेना। भाई अंदर तो अपन को एंट्री देंगे ना? अरे पहले गेट तो ओपन करने दे। भाई गेट तो पहले से ही खुला है। हमारे आते ही गेट खुल जाना चाहिए, तभी लगेगा ना कि दो बड़े लोग आए हैं। सही बोला। चलो। अंदर कहाँ जा रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। क्यों निकले? हम लोग अंदर खाना खाने जा रहे हैं। क्यों भाई? खाना खाने जा रहे हैं ना, चल। शकल देखिए अपने आईने में। हमारे कपड़े पर मत जा, हम लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तुझे मैं दिखाऊं क्या? ये देख कितना सोना है मेरे पास। होटल बेचना है तो पूछ ले, हम लोग हैं खरीदने के लिए। हेलो। अरे मैं इस वॉचमैन से बात कर रहा हूँ ना, तू चुपचाप रहना। अरे चलो ना, बुलाना जाओ यहाँ से। चलो निकलो बेटा, तू हमको जानता नहीं है, जब तुझे पता चलेगा ना तो तू बहुत पछताएगा। भाई क्या बोल रहे हो आप, बोलने से पहले सोचा करो। खाली खींच कर मारूंगा, तेरी शक्ल इसकी जैसी हो जाएगी, समझा? अबे थोड़ा तो अंदर जाने दे। इतना सारा सोना ओरिजिनल है क्या? सर 24 कैरेट है।
हम लोग नकली सोना नहीं बनते। शक्ल पे मत जाइए सर, हमारे पास बहुत पैसा है। इतना सारा सोना कहाँ से मिला? भीख में मिला है। भीख में मिला? हाँ, इतना सारा सोना। ए, इसको जरा चौकी में लेके चलो। स्टेशन क्यों? लेकिन चल बताते हैं। मिला क्या? क्या चलो चलो भीख में। पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है? उधर से लेफ्ट जाओगे तो वहाँ पर। अरे अरे मेरी चेन! अरे पकड़ो पकड़ो, अरे रुको रुको, चेन लेकर भाग रहा है लड़का। हमारी चेन लेके भाग गया भाई, पकड़ो उसे। अरे पकड़ो पकड़ो, कौन है? ये लाल जैकेट वाला आदमी पैसे वाला लगता है भाई। पूछू क्या? हाँ हाँ पूछ पूछ। हेलो, भगवान के नाम पे कुछ दे दो। महंगा जैकेट है पर चोरी का है। तो तुझे क्या लगता है खुद के पैसे का होगा? साहब क्या हम लोग को बिना मतलब का उठा के लेके आए हो? अभी तक तो लाखों रुपए हम लोगों ने कमा लिए होते, आज आपने हमारे बिजनेस की वाट लगा दी। हाँ सर, अभी तो इलेक्शन का टाइम चल रहा है, खाली भीड़ में जाकर जिंदाबाद बोल दो। 1000-2000 तो कोई भी दे देगा। चलो कोई क्या, देखिए सर हमें ज्ञान दे रहा है। ए, तू चुप बैठना। ए, साहब क्या आने का टाइम हो गया है, चुपचाप बैठ नहीं तो मुंह तोड़ दूंगा। क्या मुसीबत है? अरे भगवान के नाम कुछ दे दो ना। साहब आने वाले हैं, जो चाहिए वो देंगे। अरे तू चुप रहना यार। सर साहब, सर साहब मैंने कुछ नहीं किया सर। क्या रहे हैं अपने बिरादरी के लगते हैं, लगता हमारी जात वाले। सर चला चला अंदर चला चला। कौन है ये लोग, इन्हें लेके क्यों आए हो? सर ये लोग झगड़ा कर रहे थे, मैं इन्हें रोकने गया तो ये लोग ने मेरे ऊपर भी हाथ छोड़ दिया सर, मेरे नाक पर मारा इन लोगों ने सर। देखो भाई इन लोगों ने पुलिस को पीट दिया, लगता है बहुत डेंजर लोग हैं ये। पुलिस वाले के नाक से खून निकाल दिया। ऊपर क्या देख रहा है, नीचे देख। नीचे से भी खून निकाल दिया है उसने। साहब के आने का टाइम हो गया, बैठाओ तीनों को। ठीक है सर, चलेगा सर। ओके सर। मार तो ऐसे ना जैसे वो आतंकवादी हो, चाहे जितना मारे उधर ही मारे, बस ये पुलिस वाला हमारी तरफ नहीं आना चाहिए। हाँ यार, हाँ शक्ल से तो पूरा जल्लाद दिखता है। सर सर वो नहीं है लोग। सर ये फाइव स्टार होटल के बाहर झगड़ा कर रहे थे और बहुत सारा सोना पहना हुआ था। कहाँ से आया इतना सोना, कहाँ से चोरी की है? चोरी नहीं की है सर, भीख में मिला है हमें। भीख में? इतना कोई भीख देता है क्या? हाँ सर सच कह रहा हूँ, भीख में मिला है। अरे तू बता ना।
हाँ सर, कसम खा के कहते हैं। ठीक है, और इसने क्या किया? ये तो पुलिस वाले की बेटी से प्यार कर बैठा है। तुझे कोई और लड़की नहीं मिली? पुलिस की लड़की से इश्क लड़ाएगा? सर, मेरे जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ मैं उससे। प्यार व्यार कुछ नहीं होता, उसका बाप पुलिस में है। खूब समझता हूँ तुम जैसे लड़कों को, तुम्हारे जैसे लड़कों की टांगे तोड़ देनी चाहिए, समझा? वो भी मुझसे प्यार करती है सर, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और ये? सर ये लोग झगड़ा कर रहे थे, मैं बीच बचाव करने गया, मेरे नाक पे मार दिया, खून निकल आया सर, ये देखिए। पुलिस के ऊपर हाथ उठाएगा? लवर बॉय है तू? प्यार कर रहा था तू पुलिस वाले की लड़की के साथ? मेरे प्यार का भूत उतारेंगे अब। सारे क्रिमिनल यही जमा हुए हैं। अरे चुप चुप, ये टपोरी पुलिस को मारता है, ये चेन स्नेचर है, और इस मजनू को देखो, और ये दो भिखारी, सबको अच्छे से सबक सिखाओ। नहीं नहीं सर, रुकिए, मेरे पीछे भी एक फोड़ा निकल आया है, मारना है तो इस लवर बॉय को मारो ना। दोनों तरफ से निकल आएगा उतना मारूंगा मैं। अब हो गया, इसको भी तो मारो सर। सर हमें मत मारिए सर, हमें भीख मांगने फॉरेन जाना है। वहाँ जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा लगता है। सर सर सर, अगर वहाँ बिना पासपोर्ट के जाना हो तो हेलीकॉप्टर से तो जा सकते हैं ना? अच्छा, सुमन अंदा के लिए काम करते हो तुम लोग? सच में सर, चोरी का काम करते हो और बड़े बड़े लोगों का नाम बदनाम करते हो? फोन करो उनको। हेलो हेलो, कौन भाई? मैं दिलीप बोल रहा हूँ भाई। बोलो कैसे हो, क्या हुआ भाई? घर पे आया नहीं बहुत दिनों से, पुलिस स्टेशन में फंस गए हैं हम। क्या हुआ, कौन सा पुलिस स्टेशन है भाई? यहीं राजा जी नगर में। इंस्पेक्टर को फोन दे, मैं बात करता हूँ। ठीक है भाई। सर हेलो। हेलो इंस्पेक्टर, मैं सुमन्ना बोल रहा हूँ। नमस्ते सर, बोलिए ना। हेलो इंस्पेक्टर, कुछ गलतफहमी हुआ, उन्हें छोड़ दो। ठीक है सर, इन्हें छोड़ दूंगा। वो लड़का मेरे बहुत करीब का है, बाकी की बातें बाद में कर लेंगे। ठीक है सर, बाद में बात कर लेंगे, अभी तो इन्हें छोड़ देता हूँ। तो पैसे के लिए कुछ भी करेगा। कांस्टेबल इन्हें छोड़ दो। चलो चलो चलो, तुम लोग बैठो। अरे तुम लोग बैठो, अभी जाने, जाने के लिए बोल रहे हैं। ए, तुम्हें जाने के लिए किसने कहा? आप ही ने तो कहा सर। बैठो। सॉरी सर, मुझे लगा कि हमें जाने के लिए बोल रहे हैं। ए, फोन करेगा तो छोड़ देंगे। किसको लगा रहा है? फोन बिजी आ रहा है। बिजी आ रहा है? हाँ। लेकिन किसको फोन लगाया था? कस्टमर केयर को। चल ना लाइक, कस्टमर केयर को फोन कर रहा है। बोलिए सर, क्या हुआ उस मर्डर केस का? सर उसी के बारे में सोच रहा हूँ। ए, तुम्हारे सोचने के पहले अब मेरा एमएलए बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। देखो जल्दी से उस केस को क्लियर करो, अगर केस क्लियर नहीं हुआ ना तो हाई कमांड मुझे एमएलए का टिकट कभी नहीं देंगे। दूसरों की मदद करने की ये सजा मिल रही है, आपको मुझ जैसे बेगुनाह को मार के क्या मिलेगा साहब? सर हमें सही समय पर खाना खिला दीजिए सर, हमें गैस की प्रॉब्लम है, कुछ ऑर्डर कीजिए ना। अरे क्या बोल रहा है, कुछ भी खाने से पेट खराब हो जाएगा। सर बिरयानी ऑर्डर करो ना, बिना हड्डी वाली। अरे भिखारी हो तुम लोग, भीख मांगते हो और बिरयानी चाहिए, ये लो बिना हड्डी वाली बिरयानी। तू वो लोग भीख मांग कर खाते है सर, और तुम लोग देखो तू किसी पर दया नहीं। लवर बॉय का नंबर आ गया। पुलिस वाले की बेटी से प्यार करता है? नहीं। तेरे ऊपर एक बड़ा केस लगा के परमानेंट जेल में डाल दूंगा। मारो सब इसको, सबको अंदर लेकर जाओ। चलो चलो चलो। अरे सर चल। अरे ओ इंस्पेक्टर, क्या हुआ कुछ तो बोलो।
सर टेंशन मत लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अरे गुरुस्वामी इधर आना। कहिए सर। उस एमएलए के केस का क्या हुआ? सर उसी केस के बारे में सोच रहा हूं, किसको पकड़ के अंदर करूं यही सोच रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा सर। अरे घर में ही बच्चा है और गांव में ढिंढोरा पीट रहे हो। आप क्या कहना चाहते हैं सर, मैं समझ नहीं पाया। अरे दूसरी जगह क्यों ढूंढ रहे हो, स्टेशन में इतने सारे कैदी तो है, उन्हीं पे एक केस डाल दो। वैसे भी उनके आगे पीछे कोई नहीं है, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। लेकिन इन पर किसी केस को लगाने का कोई रीजन भी तो होना चाहिए सर। इतनी छोटी सी चीज तुम्हें समझानी पड़ेगी, चोरी करने गए थे और वहाँ उन्होंने खून कर दिया। भिखारियों के पास सोना भी तो है, आसानी से काम हो जाएगा। और गवाही देने के लिए वो होटल वाला भी तो है, समझे? ओके सर। हेडे की टेल बता। हाँ मैं जीत गया भाई। लवर बॉय, लवर बॉय। क्या भाई, पुलिस की लड़की के साथ चक्कर चलाया तूने? इसे देखो भाई, तूने पुलिस की नाक से खून निकाल दिया, बड़ा हिम्मत वाला है तू। जरा इसकी नाक से भी खून निकाल के दिखा। अरे मजाक कर रहा हूँ मैं। अब हेड है कि टेल बता। ले ले, छुपा ले, छुपा ले। एक काम बोलता हूँ, करोगे उस काम का इनाम इतना होगा उतना पूरी जिंदगी में नहीं देखा होगा, उतना पैसा तुम्हारे पास होगा। सर हम लोग करेंगे सर, करेंगे। हा? अरे साहब तो बहुत बड़े दिल वाले हैं, अब भिखारियों को यहाँ ले करा गए और ऊपर से हमें काम भी दे रहे हैं, सही है ना? सर बोलिए सर, आखिर हम दोनों को क्या काम करना है बताइए। कौन सा काम है सर, कितने पैसे मिलेंगे? एक एक को 20-20 लाख मिलेंगे। 20 लाख रुपए? सर काम कोई भी हो हम दोनों करने के लिए तैयार है। हाँ सर। हाँ सर। पहले आप हमें काम बताइए, उसे करना है या नहीं करना है ये हम बाद में बताएंगे। परसों एक एमएलए का मर्डर हुआ मालूम है ना? उसके लिए हमें क्या करना होगा? उस मर्डर को तुम लोगों ने मिल के किया है, ये कोर्ट में तुमको कबूल करना होगा। थोड़े दिन के बाद तुम सबको जेल से बाहर निकालने की जिम्मेदारी मेरी, और इसके अलावा एक्स्ट्रा 20-20 लाख रुपए और मिलेंगे। जेल में सब पहचान वाले हैं मेरे, सिर्फ 3 महीने में कोर्ट से तुम्हें बेल मिल जाएगी। तू उस लड़की को बहुत चाहता है ना? हाँ सर मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर इस केस को अपने सर ले लेगा तो मैं उस लड़की से तेरी शादी कराऊंगा। सर मेरे ऊपर केस डाल दीजिए और मैं शादी के लिए भी रेडी हूँ। देखा बहुत होशियार है, अपने ऊपर केस ले लेगा। अपने ऊपर केस लेने के लिए क्यों तैयार नहीं होगा, पुलिस वाले की लड़की को फंसाया है इसने। लवर बॉय। तुम दोनों क्या करोगे सोच कर बताना। अरे गुरुस्वामी हाँ बोलिए सर। क्या हुआ, उन्होंने बात मानी कि नहीं? दोनों हाँ कह दिया सर, लेकिन फिर भी डाउट है। इन लोग बातों से मानने वाले नहीं है, उनका इलाज है मेरे पास। ये देखते ही फट से मान जाएंगे। ठीक है सर। भाई वो पुलिस वाला हमें सच में पैसा देगा? पहले एक बार सोच लो, अगर जीना है तो भीख मांग के भी जिया जा सकता है, पर अगर पुलिस की बात मानी तो सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसनी पड़ सकती है, सोच लो एक बार। तू सही कह रहा है, पुलिस वालों पर हम लोग कैसे भरोसा करें यार। मैं तैयार हूँ, केस लेने के लिए तैयार हूँ। तू हाँ क्यों नहीं बोलेगा, तूने तो बहुत बड़ा कांड किया है, पुलिस वाले की लड़की को पटाया है, तुझे तो हाँ तो बोलना ही पड़ेगा। बाप मरे अंधेरे में बेटा पावर हाउस। मैंने कहा था ना भाई, अंधे आदमी पे भरोसा कर सकते हैं मगर प्यार करने वाले पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब खाएगा सूखी रोटी, बनने आया सुनील शेट्टी, खुद को हीरो समझता है। बेटा बिल्कुल सही बात किया तूने, आज मैं मान गया कि तू मेरा राइट हैंड है। देखो ये मजाक की बात नहीं है, पहले हम लोग आपस में सोच समझ लेते हैं। देख भाई
यहाँ पर कोई 1000-2000 साल जीने के लिए नहीं आया है। जितने भी दिन जीना है एकदम खुशी से आराम से जियो। अगर खुश रहना है तो पैसे चाहिए। पैसे ईमानदारी से कमाए कि हेरा फेरी से कोई नहीं पूछता, बस पैसे होने चाहिए। हाँ, उस दिन हमने जो कांड किया था उसी के लिए हम लोग यहाँ आए। उस दिन जो हमने जेवर का झोलमाल किया था उसकी वजह से यहाँ लाए। उसकी इंक्वायरी तो की नहीं, ऊपर से हमें पैसे दे रहे हैं। हाँ, उन्होंने कहा है उनकी बात मानने पर वो हमें पैसा देंगे। इस बात की क्या गारंटी है? वो कह रहा था उस लड़की के साथ तुम्हारी शादी करवा देगा, इस बात की गारंटी है क्या? पुलिस से पंगा लेना ये सही नहीं है, मगर हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वो लोग हमें फंसाने के लिए जरूर कोई प्लान कर रहे हैं। सोचो, हम सबको मिलकर सोचना चाहिए। तू भी सोच रहा है क्या? क्या सोचा तुम सब ने? हम आपकी बातों में नहीं आने वाले। किसी दूसरे का केस हम अपने ऊपर कैसे ले सकते हैं सर? नहीं सर, मैं अपने ऊपर नहीं लूंगा। और तुम लोगों ने क्या डिसाइड किया? सर, जीने के लिए तो पैसे चाहिए, लेकिन अगर हम लोग जिंदा ही नहीं रहेंगे तो पैसे लेकर क्या करेंगे? हाँ हाँ सर। अच्छा, मैं तुम पे बाद में आता हूँ। तुम जिस लड़की से प्यार करते थे उस लड़की का क्या नाम है? चैत्रा। उस लड़की से शादी करवाऊंगा, तुम तैयार हो ना? अगर वैसा है तो मैं तैयार हूँ। ए हवलदार, उस लड़की को लेके आओ। चैत्रा, चैत्रा, मुझे छोड़कर कहाँ गई थी तुम? मुझसे शादी करोगी ना चैत्रा? कह रहे वैसे करो फिर शादी करो। वैसी बात है तो ठीक है। भाई, ये चैत्रा ऐसे क्यों बोल रही है? अबे कौन सी चैत्रा की बात कर रहा है? उसकी लवर है ना? हाँ, तू उसके बारे में जानता है? अरे उसी ने तो कहा था ना। ठीक है, तुम जा सकती हो। और सुनो हवलदार, इसे सही सलामत घर तक पहुँचा दो। भाई, इसने तो बहुत मस्त माल पटा है। हाँ, मैंने कहा था ना, प्यार अंधा होता है। इस फटीचर जैसे घोंचू को इतनी सुंदर लड़की कैसे पट गई समझ में नहीं आ रहा है। देखो देखो कैसे आपस में गुटरगू गुटरगू कर रहे हैं। करो करो। सुनो 403, उस बैग को लेकर आओ। भाई, इतना सारा पैसा। देख क्या रहे हो, ये सारा पैसा तुम लोग का है। बस तुमको एक ही काम करना है तो जिंदगी की सारी प्रॉब्लम एक साथ खत्म हो जाएगी। पूरा जीवन बैठ के खा सकते हो। क्या सोच रहे हो? सर, हम लोग तैयार हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तुम क्या सोच रहे हो? नहीं, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। इतने प्यार से कह रहा हूं तो ऐसे नहीं मानेगा? ए हवलदार, इधर आओ। जब तक ये हां ना कहे इसे मारते रहो। अकल ठिकाने लगा दो इसकी। नहीं मानेगा? मैं नहीं मानूंगा। नहीं मानेगा? नहीं मानेगा? सब छोड़ दो। हां कहने तक इसे मत छोड़ना। मारते रहो। ए मुरली, इधर आओ। सर, इस महीने का हफ्ता मिला क्या तुम्हें? सर, सभी का आया है, लेकिन लावण्य लॉज वाला 3-4 महीने से नहीं दे रहा है। सर, क्या प्रॉब्लम है उनकी? कहता है कि ये तुम्हारे एरिया में नहीं आता है, दूसरे पुलिस स्टेशन के एरिया में आता है। पुलिस को डराता है वो? हाँ सर। स्टेशन तक भाग कर आना चाहिए, मैं सिखाऊंगा उसे। चलो चलते हैं। ए शिवकुमार, हमारे साथ चलो। चलते हैं सर। कोई रूम मत छोड़ना। जी सर। क्यों बे, हफ्ता देने से मना करता हम लोगों को? सब जगह चेक करो। पर कोई नहीं है सर। हाँ हाँ ठीक है सर। चलो, खोलो इसे, खोलो। सर, वहाँ पर कोई नहीं है सर। ऐसा है क्या? सच बोल रहा हूँ सर। खोलो। बाहर आ जा। चल बाहर। छोड़ो मुझे। चल, चल। सर, प्लीज छोड़िए मुझे।
तुमसे झूठ बोलता है? इधर लड़की रखा है? छोड़िए साहब, इतना बेशरम वाला काम करती है, किसी को मत छोड़ना। लेकर जाओ इसे। सर छोड़िए ना सर, वो नई लड़की है, छोड़ दीजिए ना सर। हमें हफ्ता देने से मना कर रहा था तू? इन्हें पुलिस स्टेशन लेकर जा रहा हूं, हफ्ता लेकर के आ जा। पुलिस ने यहाँ पर रेड मारी है। हाँ। कल जो नई लड़कियां लाई थी उन दोनों हाँ। लड़कियों को भी पुलिस उठा कर ले गई। हाँ? मैं नहीं मारूंगा। छोड़ो। देख बेटा, हमें यहाँ आने के बाद लड़कियां भी आ रही हैं। पैसा और लड़की, 5 मिनट में ही अपना असर दिखाने लगी। चल चल निकल यहाँ से, आजा। ए 306, क्या हुआ? कबूल किया उसने? तुझे जितना पैसा चाहिए मैं दे रहा हूँ, मेरी बात मान ले। मैं आपकी बात नहीं मान सकता सर, चाहे मुझे जान से मार दीजिए। अगर तूने आज कबूल नहीं किया तो तुझे मार डालेंगे। आप मंगलसूत्र का महत्व क्या समझेंगे? जिसने मंगलसूत्र छीना उसे छोड़कर आप मुझे सजा दे रहे हैं। एक लड़की के लिए मंगलसूत्र बहुत गर्व की बात होती है सर, और गुनहगार को छोड़कर आप मुझे पकड़ रहे हैं। थू है आपकी नौकरी पर। मेरे को समझा रहा है? इसे खाना पीना कुछ मत दो, ऐसे ही मारते रहो। सर छोड़ दो सर, क्यों मार रहे हो? कौन है ये लड़कियां? सर लावण्य लॉज से हफ्ता नहीं मिल रहा था तो लड़कियां उठा के लाया हूँ। इसने देखा कि इंस्पेक्टर मार रहा है, इसकी तो फट गई। हाँ यार, छोड़ दीजिए सर। तुझे सर, ये पुलिस स्टेशन है सर, क्या कर रहे हैं आप? थोड़ा शांत रहना, थोड़ा शांत रहो ना, कुछ कर रहे हैं ना, डिस्टर्ब मत करो। सर लड़की है, डर जाएगी। चल अंदर जा। सर उसे छोड़ दीजिए, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। आप जैसा कहेंगे मैं करूँगा। उस मर्डर का इल्जाम भी मैं अपने सर पर ले लूंगा। छोड़ दीजिए, 5 मिनट की खुशी के लिए क्या आप अपने करोड़ों का पैसा बर्बाद कर देंगे? सर हम लोगों ने इसे इतना मारा, अब यह हाँ कह रहा है सर, अब हाँ कह रहा है सर, छोड़ दीजिए सर। इंस्पेक्टर, इसको अंदर डाल, सबका वीडियो बना के बयान ले लो। सब ठीक हो जाएगा। ये लो खाना तुम्हारे लिए। अरे सर ने तो इसका पूरा सर फोड़ दिया है, अब देखते हैं कैसे खाएगा। ये लो लवर बॉय, आराम से खाओ, कृष्णप्पा आके बुलाएगा तुझे। ये ले रोड गोल्ड। आज का खाना कुछ स्पेशल है। लगता है बिरयानी है। अरे ये तो नहीं खा पाएगा क्योंकि इसकी बहुत कुटाई हुई है। इसको सिर्फ बोनलेस चिकन दे दो ताकि इसे खाने में तकलीफ ना हो, आराम से खा ले। बेटा खुद खाएगा या खिलाऊं तुझे? नहीं नहीं मैं खा लेता हूँ। भाई वहां देखो ना, मार मार के इसके थोबड़े का नक्शा बिगाड़ दिया है। देखो कितना प्यार है, लड़की खिला रही है। चुप रे,
कुछ खा लो। मुझे नहीं चाहिए। सुनो, थोड़ा तो खा लो ना। मुझे नहीं चाहिए। अब खाओगे नहीं तो मैं भी तुम्हें मारूंगी, समझे? पुलिस ने इतना खिलाया है कि इसका पेट भर गया, अब कुछ नहीं खाएगा ये। बड़ी आई खिलाने वाली। अगर मुझे पता होता कि मार खाने के बाद लड़की खाना खिलाती है तो मैं इससे भी 3 गुना ज्यादा मार खा लेता। तू तो 1 नंबर का गधा है, खा ही लेता। क्या? अब शेर है। मुझे बताओ, जो जुर्म तुमने किया है नहीं, उसे अपने सर पे क्यों लिया, बताओ? तुम्हारे ऊपर ऐसे अत्याचार हो रहा था जो मैं नहीं देख पाया, इसीलिए ये सब किया। ए, वो देख, लवर बॉय। लवर बॉय? लव? पुलिस की लड़की के साथ? बेटा आराम से चबा कर खा। बस बहुत हो गया, अब तुम खा लो। पहले तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। वो अपने हाथों से खा सकता है फिर भी खिला रही है। बेटा तू अपने हाथ से ही खा, आराम से खा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उस लड़की ने इसमें क्या देखा। कोई और नहीं मिला क्या उसे? नहीं मिला होगा। अरे मैं था ना। तेरे से ज्यादा तो वो हैंडसम है। जरा गौर से देख, सलमान खान लगता है। मुझे लगता है चेहरे पर बहुत क्रीम लगाता होगा। बेटा खा खा, बेटा आराम से खा, नहीं तो हड्डी अटक जाएगी गले में। हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हाँ सर। ए, इधर आओ। सर। इंस्पेक्टर, उस लड़की पे बहुत दया दिखा रहे हो। हाँ, रिश्तेदार है क्या तुम्हारी? सर वैसी बात नहीं है सर, स्टेशन में उस लड़की के ऊपर। बोलिए सर, मैं आपको कॉल ही करने वाला था और सामने से आपका कॉल आ गया। ए, सुनो, तुम क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? तुमसे अगर नहीं हो रहा है तो बोल दो, मैं किसी और से बोल के काम करवा लूंगा, और जो पैसे तुम्हें दिए है ना वो वापस कर। सर थोड़ी शांति रखिए सर, आपका काम हो जाएगा। अरे कैसे भरोसा करूं मैं तुम्हारे ऊपर? अभी कुछ कैदियों ने जुर्म कबूल कर लिया है। चलो ठीक है, चाहे तो आपको वीडियो भी भेज दूंगा सर। अगर अभी तुम्हारे पास कबूल किया हुआ वीडियो है तो कल ही उसे कोर्ट में प्रोड्यूस करो। तुम जितनी जल्दी इस केस को क्लियर करोगे उतनी ही जल्दी मुझे एमएलए की टिकट मिलेगी, समझ गए ना? ठीक है सर, ठीक है। और तुम्हारा जो भी बनता है वो सब मैं देख लूंगा, समझे? अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो टिकट किसी और के हाथ लग जाएगा, फिर घंटा बजाते रहना, समझे? चिंता मत करो सर, हो जाएगा। जो बोल रहा हूँ उस काम को ईमानदारी के साथ करो। ठीक है सर। बहुत दर्द हो रहा है। आखिर इसे बाहर कैसे भेजूं? ए, दीपा बार के बाहर कुछ लोग झगड़ा कर रहे हैं, जल्दी से वहां जाओ। सर। तुम दोनों अंदर जाओ। साहब, क्या हुआ साहब? अंदर जाओ फिर बताता हूं। वाह क्या फिगर है, अच्छे वाली भी मस्त लग रही है। तुम भी अंदर आओ। ये तो आराम से खाने भी नहीं देते। तुम सबको देख के मन में बहुत कष्ट होता है, कैसे तुम लोग इनके बीच में फंस गए? कोशिश करो कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं, हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले। भाई तुम नहीं आओगे? जा जा जा, तू जा। जब ये पुलिस वाले तेरा इनकाउंटर करेंगे ना बेटा, तब तेरी समझ में आएगा। जा जा जा। क्या हुआ, क्यों बैठा है यहाँ पर? मैं शकल से पागल दिखता हूँ क्या? हमने जुर्म कबूल कर लिया है और उसका वीडियो आपने बना लिया, इनकाउंटर के लिए इतना काफी है ना? आपका यही प्लान है, मैं समझ गया हूँ। ए बेवकूफ, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही करो तुम सब, तुम सबकी भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ। पहले यहाँ से भाग जाओ नहीं तो सबके सब मारे जाओगे। मुझे लगता है ये साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। आपने तो कहा था कि आप पैसे देंगे। कैसे पैसे?
तुम सबको पैसे का लालच देके मार डालेंगे ये लोग, इसीलिए बोल रहा हूँ भाग जाओ। चैत्रा कहाँ है? वो यहाँ पर आके मेरे से शादी करेगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, यही रहूँगा। शादी? और वो भी तुम्हारी? ठीक है तो फिर कर ले, ये ले, भूख लगेगी तो खा लेना। मुझे लगता है कि वो साहब बहुत अच्छे आदमी है, उन्होंने कहा है कि हमें भाग जाना चाहिए, यहाँ से भाग जाएंगे तो ही जिंदा रह पाएंगे। हाँ भाई, चल चल निकलते हैं। ए 403 यहाँ आओ। जी सर। सभी ने जुर्म कबूल किया उसका वीडियो लेके आओ। ठीक है सर। इंस्पेक्टर, एमएलए और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जानता हूँ सर। सर वहाँ कोई नहीं दिख रहा है, लगता है भाग गया। क्या उसके सो रहे थे क्या? ऐसे कैसे भाग सकते हैं वो? जाओ ढूंढो उसे इंस्पेक्टर, ढूंढो। चलो। अच्छे, इतना अच्छा मौका था, वो भी हाथ से निकल गया। भागो जल्दी। ए भागो भागो। अरे चल चल भागो, भागो। जल्दी आओ। अरे जल्दी चल, भागो, चल, भागो। चल, 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 इस तरफ। अरे चल चल इधर। क्या मुझे चैत्रा यहीं मिलेगी? ये जाना उधर चैत्रा। चल चल इधर आ। ये लवर बॉय प्यार करेगा तेरी तो। ए पकड़ो उन्हें। कोई भी भागने ना पाए, पकड़ो उन्हें, पकड़ो, जाओ भागो। चलो सर। सर रुक। सर मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। सर मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया सर। भाई हा? भाई ये देखो भाई हा? अबे बैठने का वक्त है क्या? भाई ये देखो ना, हम कितने लकी है, हमें 5 रुपए मिले हैं। अबे भिखारी कहीं का। अबे 5 रुपए के लिए यहाँ बैठ गया, पुलिस हमारा पीछा हा? कर रही है, गोली मार देगी हम दोनों को। भाई भाई पीने के लिए क्वार्टर मिल गया, तेरे 5 रुपए का चखना ले लेंगे और दोनों बैठ कर मजे करेंगे। भाग कर कहाँ जाओगे तुम लोग? तेरे 5 रुपए के चक्कर में। चलो जल्दी। अरे साहब थोड़ी देर। चल चल बता दे थाने में। चल उसके बाद चलेंगे। देवराज सेव्यमान पावन त्रिपंकजम् व्यालयति सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरम्। देवराज सेव्यमान पावन त्रिपंकजम् व्यालयति सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरम्। नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरम्। भवाधितारकं परं नीलकण्ठिमीप्सितास्वदायकं त्रिलोचनम्। कालकालमम्बुजाक्षमत्रिशूलमत्रं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे। काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे। काशिकापुराधिनाथकालभैरवं क्या सोचा मेरे चंगुल से भाग जाएगा? ऐसा सबक सिखाऊंगा जिंदगी भर याद रहेगा। चल साहब। साहब चल साहब, बैठ गाड़ी में। छोड़ दीजिए साहब, इसे भी अंदर डालो। चलो अंदर जाओ। अबे अंदर जा। चल छोड़ दीजिए साहब।
हेलो बोलिए सर। उन लोगों को ठोक दिया ना? अभी तक नहीं सर, वही करने जा रहा था कि आपका फोन आ गया सर। पुलिस स्टेशन में मत मारना उनको, मैं जगह बताता हूँ वहाँ लेकर आ उनको। और ये दो लॉ बर्ड भी मिल चुके हैं, सारों को एक ही जगह पे निपटाऊंगा। ओके सर, ठीक है सर। गाड़ी निकालो। ए, चलो सब। बहुत हुआ चूहे बिल्ली का खेल, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ। सर, समाज सेवा करना तो बनता है ना थोड़ा, आखिर लोगों को धोखा कितने दिन दे सकते हो। तुम लोगों का हर एक मोमेंट मैं देख रहा था, ऑलरेडी 3 लोगों को मैं बचा कर आया हूं, और अब इन दोनों को बचाने के लिए मैं यहां आया हूं। ए, इन दोनों को जाने दो, आगे मैं देख लूंगा।